फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो रीजनिंग का तीसरा वीडियो है, लास्ट दो वीडियो में आपने देखा ही होगा हमने किस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन किया है। सेकंड वीडियो में हमने पांच टाइप कवर कर लिए थे, तो आज हम पांच टाइप और कवर करेंगे। धीरे धीरे इस तरह से कंटिन्यू हम वीडियो डालते रहेंगे पाँच पाँच टाइप के। इस तरह से हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग एक या दो दिन में ख़त्म हो जाएगा अगले दो लेक्चरों में। तो हमारा फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम अक्षरों को नंबरों को याद करते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल आपको कभी भी बोला जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग में टाइप सिक्स। तो टाइप सिक्स का नाम मैं पहले ही अभी आपको बताऊंगा नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो देखो इस तरह से मेरे पास है, इसको मैंने लिखा किसी कोड लैंग्वेज में ब्रेक को क्या लिख रहा है ये देखो। ये लिख रहा है मतलब कि ब्रेक को क्या लिखा है इसने, ये लिखा किसी कोड लैंग्वेज में ब्रेक को क्या लिखते हैं हम, ये लिखते हैं ये नीचे वाला है ना। तब देखो अब इसी कोड लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, इसी कोड लैंग्वेज में मुझे स्टोन का पूछा है इसने, तो है ना इसका पूछा है मान लो। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे जो इसमें जो अक्षर है इसके अंदर है क्या, नहीं है, लेकिन इसके आसपास तो है जैसे बी सी आर एस। तो इसमें हो क्या रहा देखो, जनरली यहाँ हमारे पास सिंपल क्या हो रहा है, बी में एक जोड़ेंगे प्लस एक किया, आर में एक जोड़ेंगे, ई में एक जोड़ेंगे, ए में एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो बी सी आर एस ई एफ ए बी ओके एल। तो इस तरह से इसमें एक जोड़ा है ना, तो इसी तरह से इसमें भी एक जोड़ जोड़ के आंसर ले आएंगे हम, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, है ना। तो एस टी यू ओ पी एन एन ओ और ई के साथ में एफ, ई के बाद में एफ आ जाए, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अब देखो फ्रेंड्स इस टाइप का नाम क्या देंगे हम, देखो अग्रगामी पश्चगामी है ना व मिश्रित। अब देखो कुछ फ्रेंड्स के लिए हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, वो कल ही लंदन से आए हैं। तो अग्रगामी को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड मिश्रित मिक्स्ड। अब देखो अब इसमें क्या होता है कि कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, मिश्रित में से, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड मिश्रित में से। अब देखो जैसे मैंने ब्रेक को ही लिखा, देखो अब ब्रेक को अब की बार क्या किया मैंने, प्लस वन किया। अब मैं क्या करूँगा इस, अगर मान लो इसमें इन सब में से मैं माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। अब जैसे ये तो हो गया अग्रगामी का एग्जाम्पल, अग्रगामी का एग्जाम्पल हो गया है ना। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पश्चगामी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें माइनस वन करूँगा तो ए आ जाएगा है ना, तो आर में से एक कम करूँगा तो क्यों आ जाएगा, ई में से करूँगा तो डी आ जाएगा, ए में से एक कम किया। अब देखो ए में से एक एक कम कर दिया तो ये तो जीरो हो गया। अब जीरो पे क्या होगा, जीरो पे हमारा क्या आता है, छब्बीस आता है, मतलब कि जेड ही आएगा। तो जीरो पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और के में से एक कम किया, के कितने पे आता है, के ग्यारह पे आता है, तो एक क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा है ना। जो क्यू सत्रह पे आता है, आर अट्ठारह पे आता है और एस उन्नीस पे आता है। ये जैसे मेरे को पता है ऐसे आपको भी याद होने चाहिए, तो आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है इसके लिए। अब देखो अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ टाइप। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस वन जोड़ा, यहाँ पे माइनस वन घटाया, तो ये अग्रगामी ये पश्चगामी। अब मिश्रित का क्या होगा, मिश्रित में देखो, अब मिश्रित में कोई शब्द ले लीजिए हमारे पास, जैसे ये ले लिया। अब मिश्रित में क्या होगा, जैसे मान लो इसमें क्या किया, प्लस वन कर दिया, और इसके अंदर पी के अंदर प्लस टू कर दिया, एंड ए के अंदर प्लस थ्री कर दिया, और आर के अंदर प्लस फोर कर दिया, और के अंदर प्लस फाइव कर दिया। तो एस के अंदर प्लस वन किया तो क्या आया मेरे पास, एस कितने 19 पे 20 पे आ जाएगा टी, और पी 16 पे आता है, 16 में दो जाएंगे 18, 18 पे क्या आ जाएगा आर है ना, और ए ए ए ए में क्या किया प्लस थ्री किया, ए फर्स्ट पर प्लस थ्री किया तो डी आ जाएगा है ना। और इसी तरह से आर में करेंगे, आर कितने पे आर आता है, आर 18 पे आता है, 18 में चार जोड़ेंगे तो 22, तो 21 पे क्या आता है, 20 पे क्या आता है टी आता है, और टी यू 21 पे आएगा और 22 पे बी आ जाएगा है ना बी। और के कितने पे आते हैं, के 11 पे आता है,
उसमें 5 ऐड करेंगे तो 16 हो गया, 16 पे क्या आता है, पी आता है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, हमारे पास जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें से क्या क्या जुड़ सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो इस तरह से प्लस वन हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, इस तरह से सीरीज हो सकती है प्लस वन की, प्लस टू की, प्लस थ्री की, प्लस फोर की, है ना, इस तरह से, है ना, किसी भी, या फिर माइनस वन की, माइनस टू की, माइनस थ्री की, माइनस फोर की भी सीरीज हो सकती है। ये हो गया। और एक क्या होगा कि मतलब कि एक एक चार नौ सोलह पच्चीस, अब समझ गए होंगे अब क्या हो रहा है, मतलब कि उसके आर को या तो जोड़ सकता है या फिर घटा सकता है, उसके आर करके एक दो को स्क्वायर चार, तीन को स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पाँच को स्क्वायर पच्चीस, इस तरह से जोड़ सकता है और घटा सकता है। तो इस तरह से देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्वेश्चनों को अथा भंडार है इस टाइप के अंदर, तो इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो इसमें अब किसी शब्द का ये ले लिया, ये ले लिया, अब इसमें क्या किया, अब इसमें क्या किया, प्लस दो कर दिया, इसके अंदर से माइनस दो कर दिया, अब इसके अंदर से प्लस दो कर दिया, इसके अंदर से माइनस दो कर दिया, इसके अंदर प्लस दो कर दिया, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप में। तो आइए फ्रेंड्स, ये इस तरह का टाइप होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अग्रगामी पश्चगामी एंड मिश्रित, इस तरह के टाइप को क्या बोलेंगे, अग्रगामी पश्चगामी और मिश्रित टाइप का क्वेश्चन बोलेंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है, मैंने कुछ बताया है आपको कि किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर अभी तक समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आगे देखते हैं अब और चार टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो देखो फ्रेंड्स आगे हमारे पास अगला टाइप है, टाइप नंबर 7। तो इसमें क्या है, अक्षरों से नंबर की कोडिंग, मतलब कि जो हमारे पास अल्फाबेट है इनसे अक्षरों की कोडिंग करनी है, कि इस तरह से दे दिया इसमें काइट को क्या लिखना है, 11, 9, 20, 5 लिख रखा है, या फिर क्वेश्चन में इस तरह से मिल जाएगा आपको, इस तरीके से भी मिल जाएगा, इस तरह से लिख रखा है किसी कोड लैंग्वेज में, देन लव को लिखना है, अब क्या लिखना है। अब देखो ये किस तरह से लिखा होगा, अब इसमें सिंपल सा आपको दिख रहा है, के कितने पे आता है, 11 पे आता है, आई कितने पे, 9 पे आता है, टी कितने पर, 20 पे आता है, ई कितने पर, 5 आता है, तो इस तरह से एल कितने पे आएगा, एल 12 पे आएगा, है ना, ओ कितने पे आएगा, 15 पे आएगा, बी कितने पे आएगा, 22 पे आएगा, एंड ई कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, या फिर इसका आंसर 12, 15, 22, 5 इस तरह से हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद हो जाएंगे, तो आपको फर्स्ट वीडियो देखना जरूरी है, तो आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। तो इसी तरह से अब देखो, अब इसमें काइट में वही काइट का ये लिखा था, अब इसको 54 लिख रहा है क्या काइट को, तो देखो 54 किस तरह से लिखा है काइट में। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, नंबरिंग करनी होगी, 11, 9, 20, 5। अब देखो अब 54 किस तरह से आएगा, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनको ऐड करेंगे सबको, तो 11, 9, 20, 20, 40 और 5, 45, तो यहाँ 54 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा, 45 आएगा, तो इस तरह से 45 आ जाएगा, है ना। तो अब इसका इसका क्या करना है, लव का निकालना है। अब देखो लव में कितना, 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5, तो इनको ऐड कीजिए, 15, 5, 20, 20 और 20, 40 और 2, 42 और 12, ये हो गए 54, तो इसका आंसर आया 54, है ना। तो इसी तरह से अब देखो काइट में इसको क्या लिख रखा है, नहीं लिख रखा है, अब और भी कम होते जा रहे हैं, आप बोलोगे ये किस तरह से होते, अब इस तरह से ही बनते हैं, इसमें बहुत सारे बनेंगे, इसके भी मैं आपको कराएंगा, अभी दो टाइप और कराऊंगा, है ना, इसके बाद होने के बाद। तो देखो काइट में, देखो काइट को 9 किस तरह से लिखे, 11 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 5, तो ये कितने हो गए, 11, 9, 20, 45, ये कितने होते हैं, 45। अब 45 में क्या किया है, इसने खुद के ही अक्षरों को जोड़ दिया, और भी 4 और 5 को जोड़ा तो कितने आ गए, 9 आ गई। तो इसी तरह से अब इसमें देखो लम में भी क्या होगा, 12 प्लस 15 प्लस b कितना है 22 प्लस e कितना है 5, तो ये कितने आए थे, 54 आए थे हमारे पास। तो 54 में भी क्या करेंगे, 5 प्लस 4 को जोड़ा तो भी कितना आए, 9 ही आंसर आएगा इसका। अगर मान लो आपके पास इस तरह से आता कि मतलब 8 प्लस 6, तो इस क्या हो गया, ये बन जाता, जैसे मेरे पास आ गया 86 आ गया, किसी भी संख्या का 86 आया, तो 8 प्लस 6 करेंगे तो कितना आया, फिर हमारे पास कितना आया, 14 आ गया। तो उसके बाद भी इसको तोड़ना, और 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर, फाइनली आंसर इस तरह से करना है। तो आइए फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा, इसके और करेंगे हम, टेंशन ना लो आप। तो सबसे पहले ये देखो, ये वेरी मोस्ट है इस तरह का, ये आपको याद रखना है, इसका अलग से फोल्डर बना लीजिए, उसको इसमें सेव कर लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि हमें 4 अक्षर दे रखे हैं और उनकी कोडिंग दे रखी है, ये ज़्यादा अक्षर
ज़्यादा मतलब कि किसी कम से ज़्यादा अक्षरों को बनाना है, या फिर देखो चार का कितने हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तीन और तीन छः और दो आठ हो रहे हैं। तो इस तरह के सवाल में हमें क्या माइंड में सोचना है, बस यही थिंकिंग लानी है कि इस तरह का हमारे पास सवाल हो तो क्या करना है कि सबसे पहले इसके आसपास देखना है, एच के आसपास। तो एच में से ई, ई का नंबर कितना है फाइव और एच का कितना एट, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, एच में से माइनस तीन हो रहा है तब जाके ई आ रहा है, है ना। तो इसी तरह एच के का नंबर क्या है, के ग्यारह है और एच का कितना है आठ और इसमें क्या हो रहा है, प्लस तीन हो रहा है, इस तरह से आ रहा है ना। अब आई का देखो, इसको इस तरह से लिख लीजिए यहाँ, है ना, इधर तो एच आई डी ई, है ना, इधर देखो सब में कर लीजिए, है ना। तो इसका तो बता दिया मैंने, ई आ गया, एफ आ गया, माइनस तीन प्लस तीन। अब इसमें भी माइनस तीन कीजिए, आई का मतलब नौ, है ना, डी का मतलब फोर, इसका मतलब फाइव। तो इसमें से माइनस तीन करेंगे तो छः, छः पे क्या आएगा, एफ आएगा। तो जो एफ आ रहा है हमारे पास यहाँ, यहाँ तो आया था के, यहाँ एफ आ गया, है ना। अब इसमें प्लस तीन करेंगे, नौ तीन बारह, बारह पे क्या आता है एल, तो एल ये आ रहा एल, है ना। इसी तरह से चार में से माइनस तीन करेंगे तो एक आएगा, एक पे क्या आता है ए, चार और चार में प्लस तीन करेंगे तो क्या आएगा सात, और सात पे क्या आता है जी, जी सेवन, है ना। और ई में माइनस तीन करेंगे, पाँच में तीन गए दो, दो पे क्या आता है बी, और प्लस तीन करेंगे आठ पे क्या आता है एच। तो देखो इस तरह से आ गए। तो इसी तरह से आपको किसका आंसर करना है, लंप का। तो उसका देखो हम करेंगे यहाँ पर, इधर करके बताता हूँ मैं, हाँ इधर देख लो, अलग अलग करके बता देता हूँ ना आपको पूरा, एल यू एम पी, माइनस तीन प्लस तीन, माइनस तीन प्लस तीन, माइनस तीन प्लस तीन, माइनस तीन प्लस तीन, है ना। सबसे पहले इनके नंबर लिख देंगे, बारह इक्कीस और तेरह और ये कितना है पी, है ना, पी का सोलह। तो देखो बारह में से तीन गए तो कितने बचेंगे नौ, और नौ पे क्या आता है आई, है ना। और इसी तरह से बारह में तीन जोड़ेंगे तो पंद्रह, पंद्रह पे क्या आता है ओ, है ना, और यहाँ से तो आई ओ बन गए, है ना। यहाँ से करेंगे इक्कीस में से तीन गए तो कितने बचेंगे अठारह, अठारह पे क्या आता है क्यू आर आता है, है ना। और इसके बाद इक्कीस में तीन जोड़ेंगे चौबीस, चौबीस पे क्या आता है यू बी डब्लू, डब्लू के बाद में एक्स वाई जेड, तो एक्स आएगा, है ना। तो देखो और इधर क्या आएगा, तेरह में से तीन गए दस, दस पे क्या आएगा जे, और इधर तेरह में तीन गए सोलह, तेरह प्लस तीन करेंगे सोलह पी आ जाएगा, इधर सोलह में से तीन गए तो कितने आएगा तेरह, तेरह पे क्या आ जाएगा एम, और सोलह और तीन उन्नीस, उन्नीस पे क्या आ जाएगा एस। तो इस तरह से अब इन सबको एक साथ में लिखेंगे तो हमारे पास लंप का कोड क्या हो जाएगा इसका, आई ओ आर एक्स जे पी एम एस। तो आई ओ फ्रेंड्स ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसी तरह से आप देखो, अब इसमें देखो टाउन का कीजिए हम, अब टाउन का करेंगे ना, तो आपको इस तरह से दिमाग लगाना है इसमें कि कम अक्षरों से ज़्यादा बना रखा है, बस इतना ध्यान आना चाहिए टाउन देखते ही। और ये पूछ रहा है कम अक्षरों से ज़्यादा कोडिंग कर रखी है मेरे पास, किसी कोड लैंग्वेज में टाउन को इस तरह से लिखेंगे तो रिक्स का पूछा है मेरे पास। तो देखो सबसे पहले तो इनको दूर दूर लिख लेना है, उसके बाद करना क्या है आपको उसकी कोडिंग देखनी है इसकी, मतलब कि ये कितने पर है ट्वेंटी पर, और आर कितने पर आएगा ट्वेंटी में से, आर कितने पर आता है अठारह पर, इसमें से माइनस दो किया, और उसके बाद में वी, वी कितने पर आता है बाईस पे आता है, इसका मतलब प्लस दो किया, माइनस दो प्लस दो चल रहा है सबके अंदर। तो इसी तरह से हम रिक्स का बनाएंगे, अब देख लीजिए आप, बस इतना ही देखना आपको, आगे देखिए रिस्क का बनाएंगे हम। तो सबसे पहले आर अठारह पे, आई नाइन पर, एस उन्नीस पर, के ग्यारह पर। तो माइनस दो प्लस दो, माइनस दो प्लस दो, माइनस दो प्लस दो, माइनस दो प्लस दो, है ना। तो देखो माइनस दो करेंगे तो सोलह पे पी आ जाएगा, अठारह दो बीस पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, है ना। माइनस दो करेंगे तो सेवन पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, प्लस दो करेंगे तो ग्यारह पे क्या आ जाएगा के आ जाएगा, माइनस दो करेंगे तो सत्रह, सत्रह पे क्या आ जाएगा क्यू, है ना। और उन्नीस दो इक्कीस पे क्या आ जाएगा यू, और इसके बाद में दो माइनस करेंगे नौ पे आ जाएगा आई, इसमें ग्यारह में दो प्लस करेंगे तेरह पे आ जाएगा एम। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, पी टी जी के क्यू यू आई और एम। तो आइए फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा हमारे पास, अभी तक मैंने तीन टाइप बताए, तीन टाइप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो आई ओपनर मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन हम कम पढ़ो लेकिन समझ में आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने जो भी टाइप किया है वो आपको समझ में आए होंगे, मैं आपसे आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम देखते हैं आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में किस तरह के और भी क्वेश्चन करेंगे। अब मैंने बताया था कि तीन टाइप से कितने सारे क्वेश्चन बने, फर्स्ट टाइप से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप रिविजन करना चाहोगे, और इस टाइप से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को लाइक जरूर करें।